hello everyone welcome to lecture number eight of standard costing and in this video we are going to solve the labor variances or uh, the part related to labor rate variance labor efficiency variance labor cost and we'll be also solving the questions related to labor mix and labor yield variance so dhyan se question ko samajhte pehle then we can go with the practical solving of the question the following details are available from the records of kbj limited स्टैंड लेबर आर्स एंड द रेट पर आर वन थाउजेंड आर्टिकल्स पी वेर एस फॉलो थाउजेंड आर्टिकल्स का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड वर्कर्स तीन टाइप के वर्कर्स है ये आपके पास स्टैंडर्ड का इन्फॉर्मेशन और ये जो नीचे दिया हुआ है दिस इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल तो थ्री टाइप्स ऑफ लेबर्स हम हमारे आर्टिकल बनाने के लिए लगा रहे हैं स्किल्ड सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड की बात करें तो फाइव हंड्रेड आर उसका रेट दिया है और सेमी की बात करें तो उनका भी रेट दिया है सब कुछ अवेलेबल है तो ये जो रेट पर आर यहाँ पे दिया है दिस इज स्टैंडर्ड रेट जो हमें लगेगा सॉल्व करने के लिए और ये जो नीचे दे रेट दिया हुआ है दिस इज एक्चुअल रेट ये कौन सा रेट है ये एक्चुअल रेट है और जो ऊपर दिया हुआ है वो हमारा स्टैंडर्ड रेट है अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे दिया है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर्टिकल्स इसका मतलब हमें अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिकॉज स्टैंडर्ड थाउजेंड आर्टिकल्स के लिए दिया है आप अगर ध्यान से चेक करो तो यहाँ पे अवेलेबल है स्टैंडर्ड थाउजेंड आर्टिकल्स के लिए दिया है और एक्चुअल प्रोडक्शन हम कितना कर रहे हैं वी आर प्रोड्यूसिंग सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर्टिकल्स का मतलब अभी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो सबसे पहले कुछ चार चीजें हमें क्या क्या चीजें लगेगी स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट एक्चुअल आर्स एंड स्टैंडर्ड आर्स ठीक है मैंने आपको क्या कहा था कि जहां पे हम पी लिखते हैं मटेरियल में पी को निकाल के हमें आर लिखना है और जहां पे हम क्यू निकल लिखते हैं क्यू रेफर्स टू क्वांटिटी उसको निकाल के आपको एच लिखना है ये दो शॉर्टकट याद रखना बाकी फिर फॉर्मूलाज को याद रखने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी स्टैंडर्ड रेट देख लेते हैं 40 16 एंड 24 यहाँ पे अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड रेट दैट विल बी 40 फिर 16 एंड 24 एक्चुअल रेट देख लेते हैं एक बार एक्चुअल रेट है 44 18 22 चलो फिर एक्चुअल रेट लिखते हैं एक्चुअल रेट है हमारा 44 18 एंड 22 कुल तो आर्स लिखते हैं एक्चुअल आवर्स भी दिए हुए हैं थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड थ्री डबल टू फाइव सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो फिर लिखते हैं यहां ढूंढेंगे ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट देखो थाउजेंड आर्टिकल्स के लिए इंफॉर्मेशन दिया है एंड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक्चुअल प्रोडक्शन है सेमी स्किल्ड स्किल्ड इसका एक एक चीज हमको सॉल्व करना है देखो थाउजेंड आर्टिकल्स बनाने के लिए स्किल्ड आर्स कितने लग रहे हैं स्किल्ड आर्स पांच मतलब स्किल्ड वर्कर्स पांच घंटे काम करेंगे थाउजेंड आर्टिकल्स के लिए तो हम हमारा प्रोडक्शन कितना है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर्टिकल्स तो इसका इक्वेशन कैसे होगा देखो थाउजेंड आर्टिकल्स बनाने के लिए स्किल्ड वर्कर कितना काम कर रहा है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड आर्स काम कर रहा है तो हम कितने यूनिट्स बनाएंगे आर्टिकल्स बनाएंगे सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर्टिकल्स बनाएंगे तो कितना लेबर काम करेगा स्टैंडर्ड आर्स के बेसिस पे तो दैट थ्री सेवन फाइव जीरो आर्स ठीक है अभी सिमिलरली हमको सेकेंड का भी करना है थाउजेंड यूनिट्स के लिए या आर्टिकल्स के लिए सेमी वाला बंदा कितना काम कर रहा है चार सेमी वाला बंदा कितना काम कर रहा है चार तो फिर सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के लिए वो तो कितना करेगा काम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा थ्री थाउजेंड आर्स तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड आर्स सिमिलरली फॉर थर्ड थाउजेंड के लिए अनस्किल्ड कितना काम कर रहा है अनस्किल्ड आठ सौ काम कर रहा है सात हजार पाँच सौ यूनिट्स बनाएंगे वो तो कितना काम करेगा तो कितना काम करेगा दैट विल बी उज सिक्स थाउजेंड आर्स ठीक है इनका टोटल करना जरूरी है हमको टोटल लगेगा तो 3, प्लस प्लस 6, तो ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे टोटल मिल जाएगा टोटल एक्चुअल आर्स क्या मिल जाएगा टोटल एक्चुअल आर्स वन फोर जीरो कितना मिल जाएगा वन फोर जीरो स्टैंडर्ड का भी करते हैं थ्री सेवन फाइव जीरो बहुत जरूरी है जब हम लेबर मिक्स के वेरियंस को सॉल्व करेंगे तब तो आपको ये चीजें अवेलेबल हो जाएगी अभी मैं सीधा प्रेजेंट कर रहा हूँ ध्यान से लेबर रेट वेरिएंस ठीक है पहले कौन सा था हमारा बंदा स्किल्ड चलो फिर स्किल्ड का स्कॉल सॉल्व करते हैं स्किल्ड स्टैंडर्ड रेट 40 माइनस एक्चुअल रेट 44 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आर्स दिया था 3900 तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 15600 एडवर्स दैट विल बी एडवर्स ठीक है फिर सेमी का करते हैं सेमी सेमी का कितना है स्टैंडर्ड रेट 16 माइनस एक्चुअल रेट इज एटीन एटीन मल्टीप्लाइड स्टैंड एक्चुअल तो यहाँ पे आपको आंसर मिलता है अगेन एडवर्स जीरो एडवर्स देन अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड ठीक है सेमी के बाद आएगा अनस्किल्ड अनस्किल्ड के लिए स्टैंडर्ड आर रेट कितना था आपका ट्वेंटी फोर माइनस एक्चुअल रेट कितना था ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आर्स कितने ढूंढे हमने सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो इसके लिए आपको फेवरेबल आंसर मिल रहा है थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड फेवरेबल तो चलो इनका टोटल कर लेते हैं तो इनका टोटल मिलेगा एट टू फाइव जीरो एडवर्स क्योंकि लिए बाकी दो एडवर्स थे दैट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेशन लेबर रेट वेरियंस वी हैव डन नाउ लेबर एफिशिय के लिए भी स्किल्ड स्किल्ड का करेंगे फिर सेमी का करेंगे फिर अनस्किल्ड का करेंगे ठीक है तो चलो फिर स्टैंडर्ड आर्स फर्स्ट के लिए कितना ढूंढा था हमने थ्री सेवन फाइव जीरो माइनस एक्चुअल अवेलेबल है थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई रेड भी अवेलेबल है फोर्टी थ्री सेवन फाइव जीरो माइनस थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड इंटू फोर्टी तो ये आ जाएगा सिक्स थाउजेंड एंड दैट विल बी एडवर्स फिर सेमी का सॉल्व करते हैं सेमी का हमने कितना ढूंढा था स्टैंडर्ड 3,000 माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय तो इसका आंसर आपको आ जाएगा थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एडवर्स फिर सेमी का हो गया फिर अनस्किल्ड अनस्किल्ड में कितना आंसर आया था हमको स्टैंडर्ड आर्स वॉज सिक्स थाउजेंड माइनस एक्चुअल थाउजेंड नाइन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगेन एडवर्स ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एडवर्स ध्यान से टोटल करते रहना आप अगर कुछ भी कैलकुलेशन एरर होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन करके बता दो ताकि पता चले कि कोई कैलकुलेटिव एरर ना हो जाए द थर्टी वन टू हंड्रेड एडवर्स दैट वॉज द लेबर एफिशियंसी वेरियंस ना विल मूव टूवर्ड्स द लेबर कॉस्ट वेरियंस चलो लेबर कॉस्ट में पहले करते हैं फिर सेमी में जाएंगे फिर अनस्किल्ड में जाएंगे स्टैंडर्ड आर्स पहले वाले का स्टैंडर्ड आवर्स कितना था थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट वॉज फोर्टी थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है एक्चुअल आर्स वॉज थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट वॉज फोर्टी फोर तो ये इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे आपको आ जाएगा वन फिफ्टी थाउजेंड माइनस कर करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्वेंटी सेमी सेमी के लिए मल्टीप्लाई करते हैं सेमी के लिए स्टैंडर्ड आर्स कितने थे थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई स्टैंड रेट कितना था सिक्सटीन माइनस एक्चुअल आर्स कितने थे एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाई एटीन मल्टीप्लीकेशन ध्यान से फर्स्ट वाले का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा फोर्टी एट थाउजेंड माइनस थ्री डबल टू फाइव इन टू एटीन दैट कम्स टू फाइव एट जीरो फाइव जीरो अगर आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वन डबल जीरो फाइव जीरो एडवर्स अगेन आई रिपीट मैं कुछ कैल्कुलेशन क्विकली कर रहा हूँ तो आप इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके देखें इफ देर इज एनी काइंड ऑफ टेक्निकल एरर कुछ एरर होता है मल्टीप्लीकेशन में तो जस्ट मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना सो दैट वी कैन रेक्टिफाई दैट बाकी मेन काम तो इसमें फॉर्मूला में सबस्टिट्यूट करना है वो तो आप अभी सीख गए हो थर्ड वाला है हमारा अनस्किल्ड अनस्किल्ड के लिए मल्टीप्लीकेशन देखते हैं अनस्किल्ड का कितना था सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फोर माइनस एक्चुअल सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी टू तो यहाँ पे आ जाएगा दैट विल बी पे भी आपको मिलता है नेगेटिव आंसर सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एडर्स अब इन सभी को आपको प्लस करना है तो दैट आंसर विल बी थर्टी नाइन फोर फिफ्टी एडवर्स हैव सॉल्व एवरी थिंग क्विकली बिकॉज आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू वी हैव सॉल्व एन नंबर ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट सेव सॉल्व तो आपको ये सारी चीजें कंफर्टेबल होगी इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा क्विकली सॉल्व किया है अब हम हमारे मेन कैलकुलेशन में जाएंगे लेबर मिक्स वेरिएंस अब ये ध्यान से समझना बिकॉज ये हम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं ठीक है लेबर मिक्स वेरिएंस के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स

फील्ड के लिए स्कॉल कॉल कर लेंगे देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी टोटल करके रखा था वन फोर जीरो टू फाइव और वन टू सेवन फाइव जीरो ठीक है मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आर्स करना है थ्री सेवन फाइव जीरो थ्री थाउजेंड सिक्स थाउजेंडी सेवन यहाँ पे लिख लेंगे एक बार ताकि समझ में आए आपको थ्री सेवन फाइव जीरो पहले वाले का है थ्री थाउजेंड सेकेंड का है और सिक्स थाउजेंड थर्ड का है यील्ड के लिए सॉल्व करते हैं टोटल था 14025 डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आर्स वाज 12750 टू मल्टीप्लेड बाय स्टैंडर्ड आर्स यहाँ पे मैंने लिख के रखा है जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था थ्री सेवन फाइव जीरो तो यूल गेट द आंसर फॉर दिस हैज 4125 वन आर्स दिस इज द रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स विच वी हैव कैलकुलेटेड के बाद नेक्स्ट आएगा सेमी चलो सेमी के लिए इक्वेशन तो सेम है वन फोर जीरो टू फाइव डिवाइडेड बाई वन टू सेवन फाइव जीरो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे लिख लिया है तो सेकेंड वाले का आपका रिवाइज आ जाएगा थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड आर्स तो दिस इज द रिवाइज फॉर द सेकेंड सेमी के बाद आपका बनता है अनस्किल्ड तो अनस्किल्ड के लिए सॉल्व करेंगे अभी अनस्किल्ड के लिए इक्वेशन सेम वन फोर जीरो टू फाइव डिवाइडेड बाय वन टू सेवन फाइव जीरो मल्टीप्लाइड बाय सिक्स थाउजेंड तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है तो इसका आंसर आपको आ जाएगा सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड that was the calculation we have done i hope this is clear to all of you because in case of the material variances we have already solved the material mix variance and material yield variance usme bhi aisa hi calculation tha sirf usme hum revised standard quantity dhoondte the isme hum revised standard RS dhoondenge बाकी कोई भी difference नहीं है Formula का कोई difference नहीं है Calculation का कोई difference नहीं है वो same रहेगा अभी इसको solve कर लेंगे पहले हम सॉल्व करेंगे स्किल्ड का रिवाइज कितना ढूंढा हमने फोर वन टू फाइव माइनस एक्चुअल कितना था स्किल्ड का थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कितना था स्टैंडर्ड रेट था फोर्टी इसका आंसर आ रहा है नाइन थाउजेंड फेवरेबल ठीक है तो अभी हम ढूंढेंगे सेमी का कर लेते हैं सेमी का कितना आया हमको थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड माइनस एक्चुअल आर्स कितना आया था थ्री डबल टू फाइव मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटीन वाज द स्टैंडर्ड रेट तो इसका आंसर आपको मिलेगा टू वन थाउजेंड टू हंड्रेड फेवरेबल दोनों फेवरेबल आ रहे हैं फिर तीसरा हमारा है अनस्किल्ड स्किल्ड वाज सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड विच वी हैव गॉट माइनस सिक्स थाउजेंड द एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट वॉज ट्वेंटी तो इसका आंसर हमें मिलेगा अगेन एडवर्स सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एडवर्स ठीक है अभी आपको क्या करना है नाइन थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड विल गेट द टोटल फॉर दिस और इसके लिए टोटल आ जाएगी टोटल आ जाएगी टोटल रहेगी थ्री थाउजेंड फेवरेबल तो थ्री थाउजेंड फेवरेबल इज द टोटल फॉर मटीरियल लेबर मिक्स वेरिएंस अगले पॉइंट में जाते हैं लेबर वेरिएंस बहुत ही सिंपल कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें इन्वॉल्व ज्यादा तो पहले हम स्किल्ड का सॉल्व कर लेंगे स्किल्ड इक्वल टू एस एच कितना था एस एच वॉज थ्री सेवन फाइव जीरो माइनस आरएसएच हमने कैलकुलेट कर लिया था अभी आर एस एच वी हैव कैलकुलेटेड जस्ट नाउ कितना था हमारा आर एस एच दॉज फोर वन टू फाइव मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट वॉज फोर्टी ये आपको मिल जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड एडवर्स फील्ड के बाद आएगा सेमी सेमी का सॉल्व कर लेते हैं सेमी का कितना था स्टैंडर्ड आर्स थ्री थाउजेंड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स वी हैव कैलकुलेटेड इट वॉज थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई रेट वॉज सिक्सटीन आंसर कम्स टू फोर थाउजेंड एट हंड्रेड अगेन एडवर्स फाइनल पार्ट इज अनस्किल्ड स्किल्ड के लिए कितना था सिक्स थाउजेंड माइनस आर एस एच कितना था हमने कैल्कुलेट किया था सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड गलती से नाइन हंड्रेड तो इट वॉज सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय इट वॉज ट्वेंटी फोर द रेट तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड अगेन इट नेगेटिव है तो so, अगर आप इन माइनस माइनस को सबको कर लोगे फाइनल आंसर मिलेगा थर्टी फोर टू हंड्रेड विच वी ऑल्सो दरियंस तो वी कवर्ड लेबर आपके एग्जाम पूछा जाएगा अगर आप टीवाई के स्टूडेंट हो तो आपको तीन ही वेरियंस है लेबर Rate variance, labor efficiency variance, or labor mix variance. So that's it from this video. I hope this much is clear to all of you. So this requires a lot of practice. Uh, so I will be sending you the questions related to practice for labor mix, labor yield, material mix, material yield also. Thank you very much, all of you. Bye bye. Take care.